आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव गांव और शहर शहर, जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सठीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे। नमस्कार, लेक्स 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महापर्व में सातों चरण के मतदान जो है संपन्न हो चुके हैं और अब बारी है एग्जिट पोल की। जी हाँ, एग्जिट पोल निकलकर सामने आ गया है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों का एग्जिट पोल आ गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए को भारी नुकसान देखते हुए हम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन की भारी जीत हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की उन एक एक सीट की जिनकी बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो सीटें इस बार 2024 के इन चुनावों में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। और सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही नगीना लोकसभा सीट। दरअसल यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और मैं आपको बता दूं बीजेपी ने इस सीट से ओम कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था, बीएसपी ने इस सीट से सुरेंद्र पाल को चुनावी मैदान में उतारा था और समाजवादी पार्टी ने इस सीट से मनोज कुमार को चुनाव में उतारा था। ऐसे में इस सीट पर 4 कैंडिडेट ऐसे थे जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सबका अपना प्रभाव था, लेकिन चंद्रशेखर आजाद एग्जिट पोल में अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद भारी बहुमत के साथ नगीना लोकसभा सीट अपने नाम करते हुए आ रहे हैं। कुछ सवाल होंगे कि आखिरकार किस तरह से चंद्रशेखर आजाद मेहनत करते नजर आए और आखिरकार एग्जिट पोल में जो जीत निकल कर सामने आ रही है, जो चुनाव अब परिणाम आने वाला है, मात्र शेष 2 दिन इसमें बचे हैं, क्या चंद्रशेखर आजाद वाकई में इस सीट से जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि हमारी टीम पहुंची थी, हमारा पूरा टीम पहुंचा, जाकर सर्वे करा नगीना सीट पर, उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर हमारी टीम पहुंची, पूरा सर्वे करा है। और नगीना सीट पर जब हमारी टीम पहुंची और जब जनता से बातचीत करी तो उस बातचीत में निकलकर सामने आया कि चंद्रशेखर आजाद इस बार धुआंधार वोटों के साथ मतलब बंपर जीत करते दर्ज यहां पर करते नजर आ रहे हैं। वहीं बीएसपी तक को उन्होंने पीछे छोड़ दिया, जिस बीएसपी ने 2019 में इस सीट से जीत दर्ज करी थी उस बीएसपी को भी चंद्रशेखर आजाद ने पीछे छोड़ दिया। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल क्लियर है दर्शकों, चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहीं ना कहीं दलित वोट साधने में कामयाब होते नजर आए हैं। कुछ सवाल होंगे, मेरे साथ स्टूडियो में इस समय मौजूद है जो अमन सर, हमारे साथ मौजूद है। अमन सर ने इस समय उत्तर प्रदेश की एक एक सीट पर अपनी नजर बना रखी थी और सबसे ज्यादा नजर कुछ ऐसी सीटें थी जैसे कि मैंने बात करी नगीना सीट, और भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर अमन सर की नजर बहुत पैनी, बिल्कुल गाड़कर अपनी नजर यहाँ पर बैठे थे। सर, नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं, एग्जिट पोल में निकलकर सामने आए। नेक्स्ट लाइन न्यूज की जब टीम पहुंची, जनता से बातचीत करी तो जनता सिर्फ चंद्रशेखर आजाद करती नजर आ रही, क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल तनुज, आप अगर नगीना सीट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये बात कोई दोराय नहीं है कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण जो कह सकते हैं आजाद समाज पार्टी के एक तरीके सर्वे सर्वा है, वो यहाँ से जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें, लोगों से बातचीत के ऊपर अगर हम उस ब्यौरे की बात करें तो उन सब में निकल कर ये आता है कि आजाद जो है वो अपने जितने भी प्रतिद्वंदी जितने भी विरोधी हैं राजनीति के, उनसे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसकी मोटा मोटी वजह अगर देखा जाए तो कई तरह की वजह यहाँ पर निकल कर सामने आती है। पहली बात तो जो नगीना सीट है 2008 में बनती है, 9 में चुनाव होता है और पहले चुनाव में यहाँ पर सपा जीती हुई नजर आती है, इसके बाद 14 में चुनाव होता है तो यहाँ पर बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता हुआ नजर आता है और 19 में यहाँ से जब गठबंधन बनता है सपा और बसपा का तो यहाँ से बसपा प्रत्याशी चुनाव जीते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर नगीना से इस बार शायद जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो बात कही जा रही है, उसमें काफी हद तक सच्चाई नजर आ सकती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल आजाद के पक्ष में बना और शुरुआत से लेकर जिस तरह से पकड़ अपनी मजबूत रखी आजाद ने, और देखिए आजाद समाज पार्टी एकमात्र सीट पर चुनाव लड़ी उत्तर प्रदेश में और वो सीट थी नगीना। इसके अलावा आजाद ने अपना ध्यान यहाँ से वहां नहीं भटकाया क्योंकि उनको पता था कि अगर नगीना जो सबसे बड़ी कह सकते हैं कि जो SC ST की एक हम भागीदारी की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक नजर आती है। इसी वजह से आज़ाद ने कहा था कि मैं जो नगीना सीट के ऊपर ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन में एक समय आज़ाद की भूमिका नज़र आती थी, साथ साथ चलते हुए दिखाई पड़ते थे, लेकिन जैसे ही आज़ाद ने अपने बारे में कहा कि भाई मैं नगीना चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तुरंत समाजवादी पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि वो अपना प्रत्याशी जो है नगीना सीट के ऊपर उतारते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर हर कोई हक्का बक्का
रह गया, अखिलेश यादव से सवाल ही पूछा गया। तनुज बस में अपनी छोटी सी बात कंप्लीट कर रहा हूँ कि सवाल पूछा जाता है कि भाई आखिर आपने जो कह सकते हैं आजाद का साथ क्यों नहीं दिया, और तब अखिलेश कहते हैं कि मैं भरोसा करके अब थक गया हूँ, पहले मैं जयंत चौधरी पर भरोसा कर चुका हूँ, ओपी राजभर पे कर चुका हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य पे कर चुका हूँ, लेकिन इन सब ने जिस तरह मुझे दगा दिया है इसीलिए मैं आजाद के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी देखा जाए तो कोई बहुत घनघोर प्रचार अखिलेश यादव ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नहीं किया, मायावती का भी कुछ ऐसे ही रुख देखने को मिला, और मिला जुला कर कहा जाए कि इन तमाम जो पार्टियां हैं इनकी जो कह सकते हैं कि धुआंधार प्रचार ना करने की वजह से ही आजाद का जो स्तर है वो मजबूत होता गया, और अब जो आंकड़े निकल कर सामने है उसमें ये पता चल रहा है कि आजाद जो है यहाँ से बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। सर मायावती तक को एग्जिट पोल में देखा जाए तो बीएसपी पार्टी तक को यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। बीजेपी बीएसपी पार्टी के जो कैंडिडेट है सुरेंद्र पाल, उनकी भी ज्यादा चर्चा नहीं थी, टीम ने बातचीत करी वहां पर, जो सर्वे हमारा हमने करा वहां जाकर जब जनता से बातचीत करी कोई जिक्र ही नहीं है, सिर्फ लोगों की जुबान पर चंद्रशेखर आजाद का ही नाम है। इसकी वजह है हमें क्योंकि हम देखेंगे कि आजाद के समक्ष जिस तरह से आकाश आनंद को लेकर आया गया कि भाई ये शायद आजाद की कार्ड साबित हो सके, वो प्रचार प्रसार भी करते हैं, लेकिन क्या सुरेंद्र जो प्रत्याशी बनाए गए और इनसे पहले जो जीताऊ प्रत्याशी थे उनको हटाकर बीजेपी ने क्या कोई सही काम किया, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई, और साथ में आजाद ने जिस भूमिका के साथ और जिस मजबूती के साथ लोगों के बीच जाकर एक माहौल बनाया, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई और समुदाय से आता हो, सबके बीच उन्होंने मजबूत पकड़ बनाते हुए एक समाज के अपने आप को नेता प्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं हर समाज का जो नेता बनना चाहता हूं, हर समाज के साथ जुड़ना चाहता हूं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि आने वाले 4 जून को परिणाम चाहे हार या जीत कुछ भी हो, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपके साथ जुड़ा हूं और आपके साथ जुड़ा रहूंगा, यह आजाद तो नजर आते हैं। और देखिए इन सब बातों का असर जो है वो दिखाई भी पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरह से अगर देखा जाए तो इस समय नगीना सीट के ऊपर आप खुद भी कह रहे हैं कि बिल्कुल आजाद मैं होता हुआ दिखाई पड़ा, आजाद की तरफ झुकता हुआ दिखाई पड़ा, और ऐसे में अगर आजाद यहां से जीत दर्ज करते हैं तो ये ना सिर्फ उनकी जीत होगी बल्कि उनकी पार्टी की बड़ी जीत के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि जो आवाज अब तक संसद के बाहर गूंजती थी वो आवाज अब संसद के भीतर गूंजती हुई नजर आ सकती है, और यहां से एक बड़ी पार्टी बनाने का मौका कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को मिल सकता है। तनुज, ये मेरे ख्याल से उनके लिए सबसे बड़ी बात होने वाली है। यहाँ पर बीएसपी पार्टी को कितना घाटा होता दिखाई दे रहा है सर, जिस तरह से मायावती का यहाँ पर नुकसान ही करते नजर आए मुझे चंद्रशेखर आजाद, जो देखूं तो देखिए बिल्कुल मैं तो ये भी कहूंगा कि जिस तरह 17 सीटें यहाँ पर देखने को मिली कि 17 सीटें आरक्षित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उन पे भी मायावती का प्रभाव कोई बहुत ज्यादा मजबूत देखने को नहीं मिला, इसीलिए कहा जा रहा है कि मायावती की जो स्थिति है कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगर इक्का दुक्का सीटें भी वो जीत पाए तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी उपलब्धि होने वाला है, क्योंकि किसी भी सीट के ऊपर बीएसपी बहुत सीरियस होकर नहीं लड़ी, कोई बहुत बड़ी फाइट में दिखाई नहीं पड़ी, और पूरा मुख्य मुकाबला जो था वो कह सकते हैं एनडीए और इंडिया के बीच में होता हुआ दिखाई पड़ा, और इन दोनों के बीच में कहने के बीएसपी बुरी तरह से पिसती हुई नजर आई। अगर यहां पर बीएसपी अपने आप को किसी एक गठबंधन में लेकर चली जाती तो शायद उनको फायदा मिल सकता था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी मनमर्जी करते हुए कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, इससे सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है कि तनुज यहां पर बीएसपी को एकाध सीट के अलावा उससे ज्यादा सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। सर 2014 में बीएसपी के जो कैंडिडेट थे गिरीश चंद्र, उनको टोटल वोट मिले थे 2,45,685, और वहीं बीएसपी को 2019 में वोट मिलते हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, कैंडिडेट यही थे गिरीश चंद्र जी, और ये जीते भी थे, उन्होंने जीत दर्ज करी थी, उनको वोट मिले थे 5,68,378, भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते नजर आए थे। क्या समाजवादी पार्टी इसका कारण मान लू उनकी वजह से जीत दर्ज करी? बिल्कुल तनुज, क्योंकि देखिए आप जो दो आंकड़े पेश कर रहे हैं 2 लाख प्लस के आसपास का और 5 लाख प्लस, तो दोनों में जो अंतर है वो यही है कि उस समय सपा उनके साथ थी और अगले चुनाव में, उससे पहले चुनाव में सपा उनके साथ नहीं थी, और अगले चुनाव 19 की बात करें सपा उनके साथ थी। तो देखिए जब दोनों पार्टी एक साथ जुड़ती है तो उसका फायदा होता हुआ नजर आता है, गिरीश चंद्र जो है बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या वजह है कि आखिर मायावती ने तमाम तरह दूरी बनाकर रखी, तमाम तरह से अपने आप को अलग थलग रखा और जो उनके लिए मुश्किलों का सबब बना, भाई आजाद ने एकार्ग होकर एकदम कह सकते हैं कि एक ही सीट के ऊपर निशाना लगाया, और जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने हैं जो आपके कागज पर कहीं ना कहीं नजर भी आते हैं उसमें यह पता चलता है कि आजाद जो है वो एक बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में अगर आजाद यहां से जीतते हैं तो ये एक बड़ी आवाज उनकी पार्टी के लिए बन सकती है, दलितों के लिए
बड़ी आवाज बन सकते हैं। आप देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 22-23% के आसपास जो दलित वोट बैंक है और उसमें से भी जो युवा है तनुज, वो अब उम्मीद के तौर पर आजाद की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं और आजाद भी लगातार जमीनी स्तर पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि उनको आने वाले चुनाव में, जब हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं 2027 की, उस समय एक बड़ी पार्टी बनकर उभरने का मौका मिले, क्योंकि यहां से उनके राजनीतिक द्वार कहीं ना कहीं खुलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यही वो जगह है जहां से मायावती भी एक बड़ी नेता के तौर पर बनकर उभरी थी और यहां पर आजाद भी अपने लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि यहां से चुनाव में जीत दर्ज करें और एक अपनी पार्टी को बड़े मकाम पर लेकर जाते हुए नजर आए। सर मेरे पास डेटा है, डेटा में सब चीजें लिखी है, जब डेटा निकलकर सामने आया तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भाई एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो नगीना सीट से जीत दर्ज कर रहे हैं और यही बात चंद्रशेखर आजाद कहा करते थे कि 50-60% वोट से नहीं जीतूंगा, कम से कम नगीना का मुझे 85-90% वोट मिला है। और वही सर्वे कह रहे हैं, अब चुनाव परिणाम देखिए 2 दिन बाद आने वाला है, दर्शकों को बताएं 4 जून को चुनाव परिणाम आएगा। क्या चुनाव परिणाम के बाद यहाँ पर इंडिया गठबंधन ऑफर, बड़ा ऑफर यहाँ पर, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तब क्या कोई बड़ा ऑफर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को दिया जा सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, देखिए तनुज पॉलिटिकल मामला है और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सारे रिश्ते जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मौके के आधार पर होते हैं, जरूरत के आधार पर होते हैं। और अगर इंडिया गठबंधन को ये लगा कि हमें 2-4-5 सीटें 10-5 सीटें कम पड़ रही हैं, तो मैं तो देख रहा हूँ कि सब आजाद की बात करें, बल्कि जयंत चौधरी भी हो सकते हैं, वो ओपी राजभर भी हो सकते हैं, मायावती भी हो सकती हैं। तो देखिए जिस तरह का सिचुएशन बनती है उसके आधार पर बहुत सारे फैसले किए जाते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर आजाद भी इंडिया खेमे की तरफ आते हुए नजर आ जाएं। आपको या मैं बता दूं कि स्टेटमेंट आजाद का ही, वो उस समय कहते हैं जब उनको टिकट या एक तरीके से उनको सपोर्ट नहीं मिलता है समाजवादी पार्टी का, तो वो कहते हैं कि उनकी भी अपनी मजबूरी रही होगी, राजनीति में बहुत सारी मजबूरियां होती जिसके चलते कई बार सपोर्ट मिलता है कई बार सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन उनसे मेरी जो रंजिश नहीं हो गई है, उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं हो गई है, हो सकता है बाद में काम करने का साथ में मौका मिले। तो उम्मीद की जो किरण बनती है और बचती है अपने आप में इस पूरे मामले में, वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं आजाद भी चाहते हैं कि अगर अखिलेश यादव के साथ में उनका गठजोड़ हो या इंडिया गठबंधन में उनको जगह मिले तो वो जाना चाहेंगे और यहाँ पर एक आवाज बनकर उठते हुए नजर आ सकते हैं दलितों के उत्तर प्रदेश में, जो मेरे ख्याल से एक दलितों के लिए नई उम्मीद की किरण के तौर पर आजाद निकलकर सामने आते हैं। अब क्या वाकई में जो 70% की बात आजाद कहते हुए नजर आ रहे थे और जिस तरह की जीत के आंकड़े हमारे यहाँ पे सर्वे में निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या उस पूरी की पूरी प्रोसेस पे आजाद खड़े उतर पाते हैं और क्या 4 जून को जब रिजल्ट खुलेंगे उस समय के आजाद की जीत पर मोहर लगती हुई नजर आती है? अगर ऐसा होता है तो मैं फिर कहूंगा कि आजाद और आजाद समाज पार्टी के लिए एक बड़े जीत के द्वार खुलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी अब बड़े स्तर पर जाती हुई नजर आ सकती है। जी वाकई में, खैर अब देखते हैं कि आखिरकार नगीना सीट से वाकई में जीत किसकी दर्ज होती है। एक बार फिर से आपको बता दूं, एग्जिट पोल तो यही कह रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करते नजर आ रहे हैं। और एक बार अगर समीकरण की बात करी जाए तो उस सीट पर देखिए दलितों का प्रभाव ज्यादा माना जाता है, ऐसे में इस बात में कोई झूठ नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से बहुत आसानी के साथ शायद जीत दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बताया कि मायावती जो थी उन्होंने अपने जो राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी वो इसी सीट से करी थी, तो ऐसे में ये सीट दलितों के प्रभाव से अगर देखी जाए तो बेहद खास बन जाती है। खैर आपको क्या कुछ लगता है कि चंद्रशेखर आजाद वाकई में नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले हैं? हमारा जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है वो आप लोगों को कितना सही लगता है कितना गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब।